बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए छुट्टियों का ऐलान। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन किया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तमाम स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेकेशंस के हवाले से ये अहम वीडियो है। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन छुट्टियों के हवाले से पूरी वीडियो को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करना और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ऑन करना, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के जो आगे एग्जाम्स आने जा रहे हैं 2023 के अंदर जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो सारी की सारी जो डिटेल है, जिसमें गेस्ट पेपर्स हैं, जिसमें पेयरिंग स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी खान टीचिंग के ऊपर अपलोड हो भी रही हैं, हो चुकी हैं और साथ साथ आगे बहुत कुछ भी आने वाला है, वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो अब बात करते हैं छुट्टियों के हवाले से, जो स्टूडेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, इम्तिहान भी होते हैं लेकिन साथ साथ छुट्टियों के हवाले से बहुत बड़ी खुशी भी होती है। तो फैसला जी हो चुका है कि आपके जो तालीमी इदारे हैं वो अब बंद रहेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ राह रखते हैं, कुछ को जो है वो 20 दिन है, कुछ को 25 दिन है, कुछ को तकरीबन 10-12 दिन है। तो सारी डिटेल सुनिएगा तमाम स्टूडेंट्स को, कि एक तो जो वेकेशन के हवाले से फैसला किया गया है वो तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने किया है, जिसमें पंजाब है, जिसमें के पी के है, जिसमें सिंध है, जिसमें फेडरल है, तमाम सूबे जो हैं बलोचिस्तान में, वो सब जो है अब छुट्टियां कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे वेकेशंस यानी सर्दी बहुत ज़्यादा है, फोग पड़ रही है, स्मोक पड़ रही है, उधर भी छुट्टियां हो रही हैं। तो अब जो डिसीजन हाई कोर्ट की तरफ से भी आया वो भी आपको बताऊँगा, जो नोटिफिकेशन शेयर किए गए हैं सारी डिटेल से सुनिएगा। कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें ये कहा गया है कि जो छुट्टियां होंगी वो आपको जो है 1 जनवरी तक होंगी। 1 जनवरी को संडे है, 2 जनवरी को जो है वो आपके ओपन हो जाएंगे। ये फैसला जो है ये पंजाब के अंदर किया गया है, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तमाम जो है वो जितने भी हैं सिवाए लाहौर के, लाहौर के अंदर एक जो डिसीजन किया गया है उसमें स्मोक की वजह से छुट्टियाँ जो है वो 20-25 दिन है, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, वो 20-25 दिन रखी गई हैं। बाकी जितने भी एरियाज हैं वहां पे 1 जनवरी संडे तक जो है वो आपको छुट्टियां होंगी। 24 दिसंबर से ऑनवर्ड ये छुट्टियां जो है ये चलेंगी। और उसके बाद अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अभी अंदर यही नोटिफिकेशन जो है वो रखा गया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है कि आपको भी विंटर वेकेशन इस हिसाब से दी जाएंगी। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो बीएस है, बीएस के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहां जहां पे उनकी जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी, ये भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेंशन किया है। उसके बाद सिंध के अंदर जो है वो छुट्टियां हो चुकी हैं, वो भी इसी तरह जो है वो रेगुलरली जारी रहेंगी। फेडरल के अंदर भी वो 31 तक जारी रहेंगी। उसके बाद जो कि पीके गवर्नमेंट है उन्होंने किया है कि जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो है जहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ कम होती हैं उनको तकरीबन 2 माह के लिए जो है वो छुट्टियाँ देने का फैसला किया गया है। और बाकी जो इसी तरह अजला हैं जहाँ पे विंटर वेकेशंस जो हैं वो दी जाती हैं तकरीबन 1 वीक 10 दिन, तो वहाँ पे उसी हिसाब से जो है वो छुट्टियाँ रखी गई हैं। तो ये फैसला जो है ये तमाम गवर्नमेंट्स ने किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी कर दिया है। फेडरल गवर्नमेंट के इस्लामाबाद के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं वो भी जो है इस दिसंबर के मंथ के अंदर बंद रहेंगे। 20-25 दिन का जो फैसला है वो लाहौर वालों के लिए है, जहाँ पे स्मोग जो पोल्यूशन की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वहाँ पे जो है स्मोग की वजह से छुट्टियाँ जो है वो तकरीबन 20-25 दिन रखी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन किया था कि आपकी जो छुट्टियाँ हैं वो बढ़ाई जाएँ और दी जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो छुट्टियाँ नहीं दे पा रही थी पोल्यूशन और स्मोक की वजह से जो है वो छुट्टियाँ देने का फैसला किया गया। अब फिर दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट ने ही दोबारा से एक्सटेंशन देने का फैसला किया और ये छुट्टियाँ जो है वो मज़ीद एक्सटेंड हो गई हैं। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो छुट्टियों को एंजॉय करें, और सिर्फ एंजॉय नहीं करना बल्कि साथ साथ जो है अपने एग्जाम्स 2023 की जो प्रिपरेशन है वो भी करनी है। तो गेस्ट पेपर्स 8th क्लास 9th क्लास 10th फर्स्ट ईयर 2nd सबके अपलोड हो चुके हैं, खान टीचिंग को ज्वाइन रख के प्लेलिस्ट को चेक करें और वैसे भी वीडियो सर्च करें तो आपको खान टीचिंग के तमाम गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह खान टीचिंग आपको गायब का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहेगा, खान टीचिंग के साथ ज्वाइन रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, दो में जरूर याद रखें।